तो एडिटर भाई का सवाल है कि गुरुजी इतने बड़े डीजल इंजन को ठंडा कैसे रखते हैं? इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। अगर बात डीजल इंजन की जाए तो 16 सिलेंडर वाले इस राक्षस को ठंडा बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिना ठंडा किए अगर डीजल इंजन को लगातार चलाया जाता है तो आग लगा दी। इसलिए इसे ठंडा रखने के लिए इसमें 1045 से लेकर 1210 लीटर पानी भरा जाता है। इंजन की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ ना जाए इसलिए रेडिएटर रूम में लगे पंखों के द्वारा इसे लगातार ठंडा किया जाता है। इसके अलावा डीजल लोको की 6 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा रखने के लिए टीसीसी कंपार्टमेंट में 2 ब्लोअर लगाए जाते हैं जो ऊपर से लगातार हवा फेंककर ट्रैक्शन मोटर को ठंडा रखते हैं। लेकिन अगर बात इलेक्ट्रिक लोको की जाए तो इसमें 16 सिलेंडर वाले इंजन के स्थान पर एक टुच्चा सा ट्रांसफार्मर रखा जाता है। किसी ने नहीं पूछा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।